तो दोस्तों अभी हम है अटाली, जो अटाली से 2 किलोमीटर की दूरी पर, जहाँ पर है वंजारी वाव। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे हमारे जो न्यू सब्सक्राइबर है वो यहाँ पर मिले हुए हैं, जो यहाँ पर वाव देखने के लिए आए थे। तो ये सभी हमारे यूट्यूब फैमिली के नए मेंबर हैं, जिन्हों आप देख सकते हो। तो चलिए अब चलते हो और आगे जाके मैं आपको वाव दिखाता हूँ। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे खेत हैं। तो आज हम एक ऐसी जगह पर आए हैं जो इतिहास से भरी है, एक ऐतिहासिक जगह है। जी हाँ, आज हम आए हैं करजन से 14 किलोमीटर की दूरी पर, जहाँ पर है वंजारी वाव, जो कि अटाली से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और अटाली और कौलियात की सीम, जो कि यहाँ पर जो खेत होते हैं वहाँ पर बीच में है, मेन रोड पर स्थित है। और ये वाव ऐसा कहा जाता है 650 साल पुरानी है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वाव, जो कि बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पर घूमने के लिए बहुत ही बढ़िया प्लेस है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक ऐतिहासिक वाव, जिसे देखकर आप बहुत ही खुश हो जाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये वाव बहुत ही ज़बरदस्त देखने लायक है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं वंजारी वाव। आप देख सकते हैं ये है वंजारी वाव जाने का एंट्रेंस, यहाँ से हम जाएंगे वाव के अंदर। भाई ये है वंजारी वाव, आप देख सकते हैं करीब 650 साल पुरानी ये वाव है। और आप देखिए इतनी पुरानी है, लेकिन इसकी बनावट देखिए आप कितनी खूबसूरत है। ये पूरी आप देख सकते हैं पुरानी जो ईंटें होती थी, पाटलाइट जिसे कहते हैं, उससे बनी हुई है। और इतनी पुरानी होते हुए भी आप देखिए एक एक चीज कितनी परफेक्शन से बनाई गई है। तो यह है वंजारी वाव, करीब 200 जितनी सीढ़ियां है जो हमें उतर के जाना है नीचे। और जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर माँ मेलड़ी माँ का मंदिर है, आप देख सकते हैं। पुराने जमाने की है, लेकिन आप देख सकते हैं क्या कारीगरी है। आप देखिए ये सब पुरानी ईंटें, और देखिए किस तरीके से कमान दिए गए हैं, पत्थर लगाया गया है यहाँ पर। करीब आप देख सकते हैं ऐसे 180 जितनी सीढ़ियां हैं जो हमें उतर के नीचे जाना है। और बाहर करीब 40 डिग्री है, और जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर बहुत ही ठंडक लग रही है। तो नीचे आपको यहाँ पर गर्मी बिल्कुल भी महसूस ही नहीं होगी। और सच बता रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत प्लेस है, यहाँ पर आना आपको बहुत ही मजा आएगा। आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त कारीगरी है, और ये करीब 100 फीट जितना नीचे है, 100 फीट नीचे आना है। और मैंने स्टेप 180 के आसपास गिने थे, 180 के आसपास यहाँ पर स्टेप है। तो अभी हम आ चुके हैं नीचे,
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम ये सारी सीढ़ियाँ उतर के नीचे आए। तो दोस्तों अभी हम नीचे आ चुके हैं और यहाँ पर वाहनवटी माँ सिकोतर माँ का मंदिर है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर है माता जी का मंदिर जो कि वाहनवटी माँ सिकोतर माता का मंदिर है और ये इस तरीके से वाव है। फिलहाल यहाँ पर नीचे पानी नहीं है लेकिन पहले के ज़माने में यहाँ पर पानी हुआ करता था और आप ये देख सकते हैं, ये देखिए 100 फीट तक की है नीचे हम आए हुए, 100 फीट की गहराई में है। ऊपर से देखते हैं तो मालूम ही नहीं पड़ता लेकिन हम जैसे नीचे आते हैं तो पता चलता है कि इस तरीके से ये वाव है। और मेन रोड पर ही है तो आप आओगे तो 48 से 1.5 किलोमीटर आप जैसे ही आओगे तो यहाँ पर मेन रोड पर ये वाव है। और फ़ोटो सेशन के लिए तो बहुत ही खूबसूरत है, अगर आप यहाँ पर फ़ोटो लेना चाहते हैं बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। यहाँ पर माता जी का मंदिर, तो ये है वंजारी वाव, बहुत ही खूबसूरत प्लेस है दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे कहा। और यहाँ पर नीचे बहुत ही मस्त ठंडक लग रही है, ऊपर तो इतनी गर्मी है लेकिन यहाँ पर महसूस ही नहीं हो रही है, बहुत ही बढ़िया। और मुझे तो कंस्ट्रक्शन जो कारीगरी है वो बहुत पसंद आई, पुराने ज़माने की है लेकिन आप देखिए कि क्या कारीगरी है, इतना खूबसूरत बनाया गया है इसे। देखिए तो चलिए अभी ऊपर चलते हैं और ऊपर से नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं गाइस इतनी गहराई है, ये ऊपर से इसका सीन है, करीब 100 फीट की गहराई है वाव की, कुछ इस तरीके से ऊपर से दिखाई देती है। तो ये वाव का ऊपर का नज़ारा है जो मैंने आपको दिखाया। और गर्मी बहुत ही तेज़ हो रखी है, धूप करीब 40 डिग्री पहुंच चुकी है। तो ये जो वाव की हिस्ट्री है वो हम थोड़ा वाव के अंदर जाते हैं क्योंकि वहाँ पर ठंडक लग रही है, तो वहाँ से मैं आपको ये जो वाव की हिस्ट्री है वो बताता हूँ। तो पहले हम चलते हैं थोड़ा नीचे, वहाँ पे ठंडी ठंडी हवा मस्त आ रही है तो वहाँ पर बैठेंगे और फिर मैं आपको वहाँ से ये जो वाव की हिस्ट्री है वो बताता हूँ। तो चलिए पहले चलते हैं क्योंकि धूप बहुत ही तेज है। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं वाव के अंदर, क्योंकि बाहर बहुत ही तेज गर्मी थी तो मैंने सोचा कि यहाँ से वीडियो बनाते हैं।
तो यहाँ की अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो कुछ इस तरीके से, जैसे हमने गूगल पे पढ़ा कि आज से 600 साल पहले वंजारा लोग यहाँ से शादी करके जा रहे थे, और जो नववधू थी उसे प्यास लगती है, तो उसने अपने पति से पानी मांगा। तो उसके पति ने कहा कि यहाँ पर तुम्हारे पिता ने कोई वाव नहीं खुदवाई जो मैं तुम्हें यहाँ पर पानी पिलाऊँ। तो ऐसा जब मैना लगा तो उसने अपने पिता से कहा कि अब आप यहाँ पर वाव खुदवाओ, यहाँ पर वाव खुदेगी, यहाँ उसी में से पानी पीकर ही मैं आगे जाऊँगी, नहीं तो यहाँ से आगे नहीं बढ़ूँगी। ऐसा कह के वो यहाँ पर बैठ जाती है, और अपने बेटे की जिद के आगे पिता ने, ऐसा कहा जाता है कि एक ही रात में यहाँ पर वाव खुदवाई थी। तो वो जो नववधू थी जहाँ पर बैठी थी वो भी बाहर, अभी मंदिर बना हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये छोटी सी हिस्ट्री जो हमें गूगल से पता चली है तो मैंने आपको बताई। अगर और कोई हिस्ट्री हो और अगर आपको पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी अगर वाव की बात करूँ तो बहुत ही शांत प्लेस है, आप यहाँ पर आ सकते हैं, और ये प्लेस इतना शांत है कि आपको बहुत ही मज़ा आएगा, काफ़ी शानदार प्लेस है। हालांकि इसको थोड़ा रिनोवेशन की ज़रूरत है, लेकिन अभी वो तो क्या ही कह सकते हैं, क्योंकि हमारी ये धरोहर है, जितना इसे बचाएंगे उतना अच्छा ही है। ऐतिहासिक जगहों को और ऐसी ऐतिहासिक जगहों पर घूमने का और भी मज़ा आता है। अभी फ़िलहाल वैकेशन चल रहे हैं, तो अगर आप अपने बच्चों को हिस्ट्री से रूबरू करवाना चाहते हैं, अगर ऐसी पुरानी चीज़ें दिखाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। ज़्यादा दूर नहीं है, बड़ोड़ा से अगर देखा जाए तो 50 किलोमीटर की दूरी पर है। हम लोग पादरा से निकले थे तो 44 किलोमीटर हम निकले पादरा से, पादरा से करजन, और करजन से बरथाना होते हुए 48 से 1 किलोमीटर की दूरी पर, शायद ये उरद गांव की सीम में है, यानी कि यहाँ पर सब आसपास में देखा जाए तो सब खेत ही है, और एक खेतों के बीच में मेन रोड पर ही ये वाव है, और काफ़ी सुंदर प्लेस है। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो आइए, बहुत ही आपको मज़ा आएगा, और देखने लायक चीज़ है, एक बार ज़रूर आना चाहिए। अपने बच्चों के साथ आइए, उन्हें दिखाइए कि कैसी ये पुरानी वाव है, और यहाँ पर आपको बहुत कुछ देखने और सीखने को मिलेगा। जो भी पुराना यहाँ पर मॉन्यूमेंट है आप देख सकते हैं, यहाँ पर इतनी पुरानी चीज़ है लेकिन फिर भी उसको जो मेंटेन किया हुआ है काबिले तारीफ है, बहुत ही खूबसूरत वाव है। तो एक बार ज़रूर आइएगा और इसे देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अभी भी हम चलते हैं यहाँ से बाहर, और जैसे कि मैंने आपको बताया था जो नववधू थी वो जहाँ वहाँ पर बैठी थी, और अभी तो मंदिर जैसा बनाया गया है तो मैं आपको वो दिखाऊंगा। अभी हमारे साथ है हमारे YouTube के नए फैमिली मेंबर जो कि हमारे नए सब्सक्राइबर है, वो भी आज यहाँ पर पहली बार आए हो आप, पहली बार और कहाँ से हो? मैं तो राजस्थान ही हूँ अच्छा, और करजन में रहता हूँ। अच्छा, क्या नाम क्या है आपका? बोगीलाल। तो बोगीलाल भाई हमारे साथ है जो कि राजस्थान से है लेकिन करजन रहते हैं, तो कैसा लगा आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा, मैं वाह, तो बहुत ठंडा हूँ। है ना? तो देखिए ये भी कह रहा है कि यहाँ पर नीचे बहुत ही ठंडक है, हाईली रेकमेंड करता हूँ, इतनी गर्मी में एक बार तो यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। तो चलिए अभी चलते हैं बाहर, और मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ जो नववधू थी जो वहाँ बैठ गई थी और कहा था कि मुझे यहाँ पर वाव खुदो, और जब पानी मिलेगा तभी यहाँ से हटूँगी, तो वो जगह भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए ये वो सामने जगह है जहाँ पर वो नववधू यहाँ पर बैठ गई थी, हालांकि अभी तो शेड लगा दिया गया है। अभी तो यहाँ पर शेड लगा दिया गया है। तो जैसे ही आप यहाँ पर वाव पे आओगे तो मैंने जो अभी आपको सामने दिखाया शेड लगा के वो एक छोटा सा टेंपल बनाया गया है, और यहाँ पर बाहर एक छोटा सा स्टॉल है, तो आप यहाँ पर खाने पीने की अगर कुछ चीज़ें चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं पहले भाई से और पूछते हैं कि वो कहाँ से है। तो वाव के बिल्कुल ही बाहर यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉल है जो भाई चलाते हैं, और कहाँ से हो भाई आप? अटाली। ए भाई हमारे साथ है सनील ठाकुर जो यहाँ पर ये स्टॉल चलाते हैं, और उनकी इंस्टा आईडी कोतरमा धाम टेम्पल अटाली, उनकी इंस्टा आईडी है जो कि यहाँ पर
और हमारे YouTube के नए सब्सक्राइबर भी है, हमारे YouTube फैमिली मेंबर। तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो उनकी शॉप से यहाँ पर पानी और खाने की चीज़ें भी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी वंजारी वाव, जिसका मैंने आपको पूरा डिटेल में वीडियो दिखाया। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।